बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप। शुरू करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ। बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ एक लेंस होता है जो आपके कम्पॉक्स बॉक्स में आता था। छोटी क्लास में जब आप कम्पॉक्स खरीदते थे तो आपको एक कॉन्वेक्स लेंस मिलता था ना, याद करो। या आप सबने कभी ना कभी कॉन्वेक्स लेंस देखा और उसकी मदद से छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखा है। आप याद करो, आप अपने कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हाथ को देखते थे तो आपके हाथ की जो रेखाएं हैं वो क्लियर दिखने लगती थी। या जब आपको किसी छोटे ऑब्जेक्ट को देखना होता था तो आप इस लेंस की मदद से देखते थे। ये क्या करता है, किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को जब आप कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखो तो ये उसकी एक वर्चुअल बड़ी इमेज बना देता है। देखो कैसे, मान लो ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है ए बी, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है ए बी, उसके पास आपने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, एक इसकी एक बड़ी इमेज बना देगा। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो तो सीधी जाती है, राइट, और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है बच्चों वो फोकस से जाती है। अब आप यहां से जब इन दोनों लाइट रेज को देखेंगे तो ये दोनों लाइट रेज देखो दूर दूर जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइट रेज पीछे से आ रहे हैं, तो आपको ए भी नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा ए डस बी डस, आपको एक बड़ी इमेज दिखेगी। बस इसी लेंस को, इसी कॉन्वेक्स लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम क्या करेंगे, मान लो ये लेंस आपने हाथ में होल्ड किया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो इस लेंस को आप जब आगे पीछे करोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेगा, राइट। मान लो लेंस को आपने थोड़ा आगे कर दिया या थोड़ा पीछे कर दिया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल जाएगा, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेगा बच्चों तो इमेज डिस्टेंस भी बदल जाएगा और इमेज का साइज भी बदल जाएगा और क्लियरिटी भी बदल जाएगी, राइट। याद रखो आप लेंस को ऐसी जगह होल्ड करोगे जिससे फाइनल इमेज आपको सबसे क्लियर दिखे। फाइनल इमेज आपको सबसे अच्छी तब दिखेगी जब इमेज बने माइनस डी पर। अब ये डी क्या होता है, डी को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ऑफ क्लियर विजन। बच्चों अगर अब आप एक एक्सपेरिमेंट करो, अपने हाथ को आईज के पास लाते जाओ, पास लाते जाओ, पास लाते जाओ। जब आप अपने हाथ को आईज के बहुत पास ले जाओगे तो आपको क्लियर दिखना बंद हो जाएगा। आपको अगर एकदम क्लियर देखना है ना तो हाथों को आपको 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, राइट। या जब भी आप किसी छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसे आप अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से पास रखोगे तो भी वो नहीं दिखेगा और 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर रखोगे तो भी वो छोटा ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, राइट। तो किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना है तो उसका डिस्टेंस आपकी आंखों से कितना होना चाहिए, डी। डी को क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, और डी की वैल्यू क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन मीन्स 25 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको किसी छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है आप उस छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। ऑलरेडी ए बी बहुत छोटा था, हमें नहीं दिख रहा था, हमने क्या किया, लेंस के सामने लेंस का यूज किया, लेंस का यूज करके ए बी की एक इमेज बनाई ए डस बी डस, और उसको कहां बनाने की कोशिश की, माइनस डी पर, मतलब माइनस 25 सेंटीमीटर पर बनाने की कोशिश की जिससे वो क्लियर दिखे। अब आप बोलेंगे 25 सेंटीमीटर दूरी तो लेंस से है, बच्चों एक्चुअली आईज लेंस के बहुत पास होती है, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब आईज से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लेकिन अब इसका जो भी पार्ट एग्जाम में आता है उसके लिए आपको समझना होगा मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन ये नहीं होता, लास्ट लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था मैग्निफिकेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी लेंस के लिए, लेकिन इस चैप्टर में ये मैग्निफिकेशन यूज नहीं होने वाला है। अब हमें समझना होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन, एम, बीटा अपॉन अल्फा। अब ये क्या होता है, देखो बच्चों मैग्निफिकेशन की जगह ले ली है एंगुलर मैग्निफिकेशन में, अब बीटा का नाम क्या है, बीटा का नाम है विजुअल एंगल सबस्टेंडेड ऑन इंस्ट्रूमेंट। बीटा है विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हैं इसको, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम मिल सकता है आपको। और अल्फा है विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। देखो अब मैं आपको अल्फा और बीटा समझाता हूं, पॉज कर बच्चों अल्फा को समझते हैं, विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट।
आप कर क्या रहे हो, आप लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कब करते हो, जब आपको बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है। अब छोटा ऑब्जेक्ट आपके आसपास क्या है, आपके पास एक पैन होगा, अपने पैन की निब देखो, पैन की निब बहुत छोटी है, राइट। पैन की निब को आप अपनी आंखों के सामने रखो एक बार, बहुत पैन की निब बहुत छोटी होती है बच्चों, राइट। उसे आप ध्यान से देखो, आप उसको क्लियर कब देख पाओगे, जब आप उसको आंखों से कितनी दूर रखोगे, 25 सेंटीमीटर, राइट। किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने की कोशिश करने के लिए आप उसको कहां रखोगे, आंखों से 25 सेंटीमीटर पर, मतलब डी पर, राइट। इस समय ऑब्जेक्ट ने आंखों पर जो एंगल बनाया है, इसी एंगल को हम कहते हैं अल्फा, समझ गए। अल्फा को आप कह सकते हैं विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, राइट। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए अल्फा की यही डेफिनेशन यूज होनी है। और बच्चों बीटा क्या है, देखो बीटा मैंने बोला ना विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट। फिर आपको ये ऑब्जेक्ट जब आपने नेकेड आई से देखा, नेकेड आई मतलब कोई लेंस यूज नहीं किया है, राइट। तब आपने जब इस ऑब्जेक्ट को देखा तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सस्टेन किया आपकी आंखों पर, अल्फा। इसे हम कहते हैं विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विजुअल एंगल डायरेक्ट ऑन आई। लेकिन अल्फा कब माना जाएगा, जब आप ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखो, बोलो जल्दी, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। अब बीटा क्या है, बीटा बीटा विजुअल एंगल है जब इंस्ट्रूमेंट के साथ फाइनल इमेज ने जो इंस्ट्रूमेंट पे बनाया है। अब देखो ये फाइनल इमेज है, राइट। फाइनल इमेज ने एक ये एंगल बनाया है और एक ये एंगल बनाया है, ये वाला एंगल नहीं लेते, ये वाला एंगल लेते, ये हो गया बीटा। तो बीटा एंगल कौन सा है, जो फाइनल इमेज ने इंस्ट्रूमेंट पे बनाया है, उसे हम कहते हैं बीटा, विजुअल एंगल सस्टेनड बाय द ऑब्जेक्ट और इमेज ऑन द इंस्ट्रूमेंट और विद इंस्ट्रूमेंट। तो अल्फा और बीटा में अंतर समझो पहले। अल्फा क्या है, जो ऑब्जेक्ट ने डायरेक्ट आई पर बनाया है, नेकेड आई पर बनाया है, जब ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा। और बीटा क्या है, बीटा वो विजुअल एंगल है जो ऑब्जेक्ट ने या इमेज ने इंस्ट्रूमेंट पे बनाया है, राइट। अल्फा और बीटा अगर निकालते बन गया, तो आप बीटा को अल्फा से डिवाइड करोगे तो आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। अब देखो अल्फा की कितनी वैल्यू, एक ही वैल्यू है आपके पास, अल्फा की वैल्यू बताओ। अब अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट तो निकल नहीं पाएगी, आपको याद होगा अगर मैं टैन अल्फा की वैल्यू निकालूं, टैन अल्फा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन डी लिख दूं इसको, 25 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर मतलब डी, राइट, ए बी अपॉन डी, सपोज दिस इज इक्वेशन ए, राइट। अब आप बताओ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ए बी बहुत छोटा है, तो अल्फा भी बहुत छोटा होगा, और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो मैं टैन अल्फा को लगभग क्या लिख सकता हूं, अल्फा लिख सकता हूं। हमेशा याद रखो जब एंगल बहुत छोटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ए बी बाई डी, ये है इक्वेशन ए, मॉडिफाइड इक्वेशन ए। अब बीटा की वैल्यू भी इसी तरह से निकालो और यहां रख दो, आ गया आपका आंसर, मैग्निफिकेशन बहुत आसान है। चलो यहां देखो बीटा की वैल्यू बताओ मुझे कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे, एक मिलेगा ए बी ओ और एक मिलेगा ए डैश बी डैश ओ, तो आपको टेन बीटा की दो वैल्यू मिलेंगी, दोनों लिख दो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों लिख दो, ठीक है। टेन बीटा की वैल्यू यहां लिख देता हूं बच्चों, ये जगह है, टेन बीटा की पहली वैल्यू है ए बी अपॉन यू और दूसरी वैल्यू है ए डैश बी डैश अपॉन डी, माइनस डी लिख देते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है ना ऑप्टिकल सेंटर के, यहां भी माइनस लिख दो क्योंकि ये भी आई के लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। आपकी मर्जी, लिखना है माइनस लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, है ना। चलो नहीं लिखते हैं इसमें अपन, क्यों कंफ्यूजन हो, आपकी मर्जी, लिखेंगे तो माइनस से माइनस बाद में कट जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी प्लस आएगा। अब एंगल बीटा भी छोटा होगा क्योंकि ये यही ए बी है, राइट। ऑब्जेक्ट छोटा है तभी तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करोगे, मतलब ऑब्जेक्ट छोटा है तो बीटा भी बहुत छोटा है, अगर एंगल बहुत छोटा है तो टेन बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा, बीटा की दो वैल्यू मिल गई आपको, ए बी बाई यू ए डैस बी डैस बाय डी। अब आप बताइए कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन मैंने पहले बोल दिया बीटा अपॉन अल्फा है, कौन सी वैल्यू यूज करोगे, मैग्निफिकेशन आ गया बच्चों जल्दी बताओ, अल्फा की तो एक ही वैल्यू है, यूज कर लेते हैं ए बी अपॉन डी, राइट। अब बीटा की ऐसी वैल्यू यूज करें जिससे कुछ कैंसिल हो जाए, मुझे लगता है ये अगर अपन ए बी बाई यू यूज करते तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, देखो ए बी बाई यू ए बी से ए बी कैंसिल, इसमें बीटा और अल्फा की वैल्यू रखी है बस, अभी डी ऊपर आ जाएगा डी बाई यू। तो बच्चों ये आ गया जनरल एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। बच्चों जनरल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन तो हमने देखी है, एम इज इक्वल टू कितना आ गया था डी बाई यू, राइट।
अब मैंने क्या बोला था, आप ऑब्जेक्ट लेंस को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस ही तो है, आगे पीछे बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। अब आप लेंस को तब तक आगे पीछे करते रहो जब तक आपको फाइनल इमेज एकदम क्लियर नहीं दिखने लगती। फाइनल इमेज एकदम क्लियर कब दिखेगी, जब वो कहां बने? आई बिलीव आप सबका आंसर आ रहा होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर जब बनेगी तब क्लियर दिखेगी, राइट। इस केस का नाम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन या व्हेन फाइनल इमेज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, राइट। अब आप लेंस को इस तरह से एडजस्ट करोगे, एक ही लेंस तो है, हाथ से आगे पीछे कर देना, ये लेंस मान लो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इस तरह से सेट करो कि फाइनल इमेज कहां बन जाए। कम ऑन, लेंस को इस तरह से एडजस्ट करोगे कि फाइनल इमेज कहां बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। लेंस से कितनी दूर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। ये देखो, ये एक, इसे कहते हैं हम केस वन, राइट। इस समय आपकी फाइनल इमेज कहां बनी है बच्चों, डी पर, डी मतलब -25 सेंटीमीटर पर, राइट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इस केस में मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है उसे हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये तो जनरल मैग्निफिकेशन है बच्चों। अब हमें एक और मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी होगी और वो निकालने के लिए हम यूज करेंगे लेंस फार्मूला। डू यू रिमेंबर व्हाट इज लेंस फार्मूला बच्चों? वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, राइट। यू की जगह माइनस यू रख दो बच्चों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है ना, आप ओ के लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ नेगेटिव होता है ना, और वी की जगह -25 या -d एक ही बात है, डी को ही 25 कहते हैं, तो वी की जगह रख दिया -d, यू की जगह -u और एफ की जगह एफ, राइट। तो बताओ 1 बाय u की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय d को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस यू, 1 बाय u की जगह आप लिख सकते हो 1 बाय f प्लस 1 बाय d। बस ये वैल्यू आप यहां पर रख दो तो आपको जो m की वैल्यू मिलेगी उसे हम कहते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, या मैग्निफिकेशन की वैल्यू जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर बने। m इज इक्वल टू d बाय u तो आपके पास पहले ही है। अब आपने 1 बाय u की वैल्यू निकाल दी, वो वैल्यू यहां रख दो 1 बाय f प्लस 1 बाय d, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा d बाय f प्लस 1। इसे हम जानते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के नाम से। बच्चों मैंने आपको बोला था ना, जब आप लेंस को आगे पीछे मूव करेंगे तो इमेज क्लियर बनेगी d पर। लेंस को आगे पीछे मूव करते समय एक सिचुएशन जब ये भी आएगी कि जब आपको इमेज देखना बंद हो जाए। इमेज देखना कब बंद होगी, जब आप लेंस को आगे पीछे मूव कराएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये रेज आपस में पैरेलल हो गई तो ये एक दूसरे को कहां कट करेंगी, इनफाइनाइट पे। और अगर ये एक दूसरे को इनफाइनाइट पे कट करेंगी बच्चों तो इमेज बनेगी नहीं, राइट। इस केस में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है, देखो जनरल मैग्निफिकेशन है डी बाई यू, लेकिन आप सबको क्लियरली दिख रहा है यू इज इक्वल टू एफ। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन हो जाएगा d बाय f, क्योंकि u की वैल्यू किसके बराबर है, f के बराबर। इसके तीन नाम है याद रखना, इसे हम मिनिमम मैग्निफिकेशन भी कहते हैं और नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं, और इसको हम ये भी कहते हैं व्हेन फाइनल इमेज फॉर्मड एट इनफाइनाइट। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपसे बोले कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाले। अब एक नोट याद रखना, मिनिमम मैग्निफिकेशन कितना आया d बाय f, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना आया, सिर्फ एक ज्यादा है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना आया d बाय f प्लस 1। तो अगर मिनिमम मैग्निफिकेशन 9 है तो मैक्सिमम 10 होगा, सिर्फ एक ज्यादा होता है। ये आपने अपने 5 मार्क्स पक्के किए बच्चों। होपफुली आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया। 12th बोर्ड के पहले तक लगभग हर चैप्टर इस तरह से करा दूंगा। प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। बाय।